Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today I am going to explain the different types of questions related to prove that in the chapter permutations. Permutation वाले chapter में आपके पास बहुत सारे prove that वाले questions हैं जिसमें आपको LHS is equal to RHS prove करना होता है. So आज हम उन questions को practice करेंगे और देखेंगे कि उन questions में हमें basically करना क्या होता है. दिस परम्यूटेशन का कंसेप्ट जो है ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंडर आता है और आपके पास जो आपका बीकॉम का कोर्स है, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम है चाहे वो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स में जो ये आपका परम्यूटेशन का चैप्टर है, इससे आपके पास डेफिनेटली 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और उस 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आपको दोनों ही क्वेश्चन पे फोकस रखना है और अपने कंसेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस करनी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. प्राक्षी क्लासेस के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. प्रूफ दैट n माइनस आर प्लस वन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर ब्रैकेट क्लोज का फैक्टोरियल. अब आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है कि जो आपकी LHS साइड है जिसे आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हो और जो आपकी RHS साइड है जिसे आप राइट हैंड साइड कहते हो, उसमें एलिमेंट्स देखो कौन से हैं. बेटा अगर आप इस साइड की बात करें इक्वल्स टू के इस तरफ की बात करें तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, और अगर इक्वल्स टू के इस तरफ की बात करें तो दैट इज कॉल्ड RHS राइट हैंड साइड. अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म की बात हो रही है. बट आप अगर अपने RHS साइड में देखें तो बेटा एक ही टर्म की बात हो रही है. ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे टर्म्स को इक्वल बनाना होता है, सेम बनाना होता है, तभी आप अपने प्रूफ कर सकते हो क्वेश्चन को. तो अब देखो ध्यान से एक और चीज कि लेफ्ट हैंड साइड पे n फैक्टोरियल है और राइट हैंड साइड पे भी n फैक्टोरियल है, पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल है बट लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस आर प्लस वन भी है और n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल भी है. पॉइंट क्लियर. अब आपको क्या करना है, आपको अपनी LHS साइड उठानी है. क्यों बेटा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि LHS उठाना है या RHS उठाना है. ध्यान से देखना बेटा, आपके पास इस क्वेश्चन में LHS में दो टर्म्स दे रखी हैं, एक ये री और एक ये री, बट RHS में बेटा सिर्फ एक ही टर्म दे रखी है. तो दो टर्म को एक बनाना इज मच एज इजियर देन एक टर्म को दो बनाना. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम LHS को उठा रहे हैं और उसको किसकी तरह बना के देख रहे हैं, RHS की तरफ. दो टर्म्स को एक टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो अब समझो आगे. ठीक है, n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर प्लस वन है, इसको आप ओपन कर नहीं सकते क्योंकि ओपन आप किस चीज को करते हो, जिसके पीछे फैक्टोरियल होता है. बेटा n फैक्टोरियल ही रहेगा क्योंकि RHS में हमें चाहिए, जो चीज हमें चाहिए उसको कुछ नहीं छेड़ना. अब छेड़ना किसको है, इसको बेटा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल को ओपन करना है. किसी भी चीज का फैक्टोरियल ओपन करना होता है तो आपको हमेशा ये रूल याद रखना है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस वन n माइनस टू, आपको जहां तक लेके चलना है वहां तक आप लेके जा सकते हैं और लास्ट में आप फैक्टोरियल लगा देना. बेटा हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन करने के लिए ये देखो यहाँ पे मैंने करा हुआ है, n माइनस आर प्लस वन को फैक्टोरियल को ओपन करने के लिए पहले सेम ऐसे कैसे कॉपी कर देना, तो n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो बेटा प्लस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा n माइनस आर, और यहीं पे हमें स्टॉप करना है तो इसमें मैंने फैक्टोरियल लगा दिया. ठीक है, n माइनस आर प्लस वन ऐसे का ऐसे, n फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे. अब इस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है n माइनस आर प्लस वन की तरह और n माइनस आर फैक्टोरियल की तरह. n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर प्लस वन से कट गया तो मेरे पास बचा क्या बेटा, n फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस वन से माइनस वन भी कट गया.
तो n फैक्टोरियल बचा और n माइनस आर का फैक्टोरियल बचा, जो किसके इक्वल है बेटा, जो सिमिलरली RHS के इक्वल है। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS। हमने करा क्या, मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने इसको ओपन किए, n माइनस आर प्लस वन के फैक्टोरियल को हमने ओपन किए। किसी भी चीज को अगर ओपन करना होता है पहले ऐसे का ऐसे कॉपी कर दिया करो, तो n माइनस आर प्लस वन ऐसे का ऐसे कॉपीड, और फिर n माइनस आर प्लस वन ऐसे का ऐसे कॉपीड और माइनस वन, और मैंने स्टॉप करने के लिए फैक्टोरियल लगा दिया। प्लस वन से माइनस वन कटा तो लास्ट में बचा मेरे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन ऐसे का ऐसे ही रहा तो ये कट गया ऊपर वाले से, तो बचा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। पॉइंट क्लियर? तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो बेटा, प्रूव दैट n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का होल का फैक्टोरियल प्लस आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल का फैक्टोरियल। बेटा ये मुझे प्रूफ करना है। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में यही सिखाया था कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में जहां LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना होता है, वहां पे आप पहले ये देखो कितनी टर्म्स हैं। अगर आप बेटा बात करें तो LHS में एक पूरी टर्म ये है और LHS में एक पूरी टर्म ये है और एक और टर्म है। दैट मीन्स एक टर्म दो टर्म तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर फिर दोनों में एडिशन हो रहा है, तो इसमें टर्म ज्यादा है कंपेयर टू RHS में सिर्फ एक ही टर्म है। तो बेटा LHS को आपको ठीक करना है और कहाँ तक लेकर आना है, RHS तक। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बेटा अगर आप देखें तो सोचने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना, ऊपर n माइनस वन का फैक्टोरियल दे रखा है, r भी दे रखा है और n माइनस वन का फैक्टोरियल भी दे रखा है। बेटा ये वाला बास्केट, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसको आप पढ़ेंगे बास्केट, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसको भी आप समझेंगे बास्केट। बेटा इस बास्केट में से अगर आप ध्यान से देखें, इस बास्केट में ऊपर n माइनस वन का फैक्टोरियल आ रहा है और इस बास्केट में भी n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल आ रहा है। दैट मीन्स दोनों बास्केट में कॉमन क्या चीज है, दोनों बास्केट में क्या कॉमन है, n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल और n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल। तो n माइनस वन इस बास्केट से बाहर आ सकता है और n माइनस वन इस बास्केट से भी बाहर आ सकता है। तो बेटा मैंने क्या लिखा, टेकिंग n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल कॉमन। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया। तो बेटा जब मैंने ये कॉमन लिया तो n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल बाहर आ गया। बेटा ध्यान से समझना आप, अगर मैंने इस बास्केट में से इसको बाहर ले लिया तो बचा क्या अंदर, वन। ठीक है जी, प्लस बेटा मैंने इस बास्केट में से इसको बाहर ले लिया तो क्या बचा, r। बेटा मैं सिर्फ अभी ऊपर ऊपर की बात कर रही हूँ, ऊपर ऊपर का मतलब है सिर्फ न्यूमिरेटर की बात कर रही हूँ, एक एक करके स्टेप समझाऊंगी कि डिनोमिनेटर में भी क्या हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखें बेटा, अब हम न्यूमिरेटर में बात हो चुकी है, n माइनस वन फैक्टोरियल बाहर आ चुका है, इसकी जगह वन आ चुका है और n माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर आ चुका है और इसकी जगह थ्री आ चुका है। यहां तक मेरा काम हो गया और ये मैंने लिख देना टेकिंग n माइनस वन का होल का फैक्टोरियल कॉमन। ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं डिनोमिनेटर पे। बेटा किस पे काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पे। अब हमें देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन आ सकती है। तो देखो बेटा पहले इन्होंने क्या किया, इसको और इसको चेंज करा कि कुछ हो सकता है। बेटा अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ओपन करने का तरीका देखना, मैंने आपको क्या बोला, इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, n। तो n का फैक्टोरियल ओपन करने का क्या तरीका होता है, n। व्हाट इज योर n, n माइनस आर माइनस वन को ऐसे कैसे कॉपी करो, फिर n माइनस आर माइनस वन माइनस वन। बेटा ये अगर आप माइनस वन और माइनस वन देखोगे तो माइनस टू हो जाएगा, ये तो काउंटिंग बढ़ती जाएगी तो ये तो कभी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसको ओपन करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब इसको ओपन करके देखो बेटा, n माइनस आर ऐसे कैसे कॉपीड, n माइनस आर माइनस वन। अब ये n माइनस आर माइनस वन ये रहा और n माइनस आर माइनस वन ये रहा और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको ओपन करने का फायदा नहीं है पर इसको ओपन करने का फायदा है। बेटा मैंने n माइनस आर के फैक्टोरियल को अगर ओपन किया तो देखो n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल।
अब बेटा इस बास्केट में n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी है और इस बास्केट में n माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल भी है। दैट मीन्स जब दोनों बास्केट में कोई चीज सेम होती है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर से कौन बाहर आना चाहिए, n माइनस आर माइनस वन का ब्रैकेट क्लोज का होल का फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ये पता कर लो कि न्यूमिरेटर से किसने बाहर आना है और डिनोमिनेटर से किसने बाहर आना है। जब ये पता हो जाए तब हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाऊंगी। बेटा पहले n माइनस वन फैक्टोरियल को ऐसे कैसे कॉपी किया, n माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल को ऐसे कैसे कॉपी किया, r फैक्टोरियल को ऐसे ऐसे का कॉपी किया और n माइनस वन के होल फैक्टोरियल को ऐसे का कॉपी किया। क्यों कॉपी किया, क्योंकि बेटा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है तो एकदम डायरेक्टली कॉमन निकल सकते हैं। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तभी इनको पहले सेम बनाना पड़ेगा फिर जाके इनके में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो बेटा इसको हमें ओपन करना नहीं था इसलिए हमने डायरेक्टली कॉपी कर दिया, पर इसको हम ओपन करके लिखेंगे। तो n माइनस आर के फैक्टोरियल को n माइनस आर लिखा और n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा। अब ये मेरे पास बन गई एक लाइन। अब आप ये देखो बेटा कि आपके पास इस बॉक्स में ये कॉमन है और इस बॉक्स में ये कॉमन है, तो n माइनस वन के फैक्टोरियल को बाहर ले लो, ठीक है। फिर उसी बास्केट में देखो बेटा, ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है तो दोनों को मैं से बाहर ले दो बास्केट में। जब मैंने बाहर ले लिया बेटा तो अब ध्यान से देखना मेरे पास क्या बचा। बेटा ये बाहर जा चुका है तो अंदर बचेगा वन, बेटा ये बाहर जा चुका है तो अंदर बचेगा वन, प्लस का प्लस, बेटा एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर जा चुका है तो बचेगा आर, तो आर, बेटा इस वाले में से ये वाला n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर जा चुका है तो बचेगा n माइनस आर, तो मेरे पास ये बचा। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसका सेम ऐसे का ऐसे कॉपीड। बेटा अब इसका एलसीएम लेना है 1 और n माइनस आर का, 1 और n माइनस आर का एलसीएम क्या होगा, n माइनस आर। अब इस n माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा क्लीन करके दिखा देती हूँ, इस n माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n माइनस आर, और इस 1 को प्लस आर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आर। बेटा माइनस आर से प्लस आर कट गया, n माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल रहा, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल रहा, अंदर क्या बचा बेटा n और नीचे क्या बचा n माइनस आर। अब ध्यान से समझना, मेरे पास चार टर्म्स बच रही हैं, एक n, n माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, ये मेरा फाइनल LHS आया है और ये मेरा RHS है। पर अगर आप देखें LHS और RHS तो अभी भी इक्वल नहीं है बेटा, अब इक्वल बनाना है। बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, n, n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये क्या होता है आपका, अगर आप ध्यान से देखते हैं दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। व्हाट डू मीन बाय n फैक्टोरियल, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये चलता रहेगा। तो मैंने n माइनस वन पे स्टॉप कर दिया तो n, n माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो बेटा n, n माइनस वन के फैक्टोरियल की जगह लिखा n फैक्टोरियल। फिर आप इसको, आपको इस पे काम करना है बेटा, ये ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा हुआ है n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। बेटा ये वही तो आ रहा है कि n माइनस आर का फैक्टोरियल। आप इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को ओपन करके बताओ, n माइनस आर ही रहेगा, फिर n माइनस आर माइनस वन, फिर n माइनस आर माइनस टू, ये चलता रहेगा। पर मैंने इसको n माइनस आर प्लस वन माइनस वन पे ही खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है जो नीचे वाली टर्म है वो किसके इक्वल है, n माइनस आर का होल ब्रैकेट क्लोज का फैक्टोरियल। दैट मीन्स मेरा LHS कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। और यही LHS किसके इक्वल है, यही LHS आपका RHS के इक्वल है। तो बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, क्योंकि जब एक चीज कॉमन आ जाएगी ना तो आपकी टर्म्स कम हो जाती है। यहाँ टर्म्स बहुत ज्यादा थी, टर्म्स को कम बनाने के लिए आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म को कितना छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा जितने भी आज क्वेश्चंस करा रही हूँ प्रूफ दैट वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई जरूर करना कॉपी में, तब जाके आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट n, n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल।
अगर अभी आप ध्यान से देखें, यही सेम क्वेश्चन आप करके आए हैं अभी सेकंड वाले क्वेश्चन पे, यही आपने प्रूव किया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट? देखिए, बट क्वेश्चन वही था, प्रूफ सेम करना था, पर प्रूविंग में टाइप अलग था। वहां पर आपने कॉमन लेकर करा था, यहां आपके पास कुछ और कंसेप्ट लेके करना है आपको, क्योंकि कंसेप्ट अलग है। बेटा अगर आप देखो ध्यान से, मैं RHS उठा रही हूँ अभी। RHS क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि मुझे RHS इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम बात करें n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में ये चीज आएगी, n n माइनस वन n माइनस टू, इसलिए हम इसको RHS को पहले उठा रहे हैं। RHS में अगर हम n फैक्टोरियल ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे खोलते हैं? 1, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये ऐसे चलता रहेगा टिल n तक, और इट कैन बी रिटर्न इन रिवर्स फॉर्म। जबकि आपने जब भी फैक्टोरियल ओपन करना सीखा है आपने रिवर्स फॉर्म में सीखा है, पर अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो भी वही चीज़ है। बेटा क्या है चीज़? मतलब अगर मेरे को 7 फैक्टोरियल ओपन करना है तो आप कैसे ओपन करते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा मैं इसको रिवर्स फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा बेटा? 7 तक। और ये 7 है ही क्या हमारा? n, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 डॉट, 7 क्या है हमारा? n। वही चीज़ उन्होंने लिखी थी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n, वही चीज़ है n फैक्टोरियल को ओपन करने की। चाहे आप रिवर्स फॉर्म में लिखो चाहे आप वैसे फॉर्म में लिखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको बतानी थी हमें RHS में n फैक्टोरियल के बारे में। तो बेटा n फैक्टोरियल कैसे बनता है? n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट में हम कहां पर लेके जाते हैं? 1 पर। हम 1 खाली नहीं लिखते इसलिए हम लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा आप 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ऐसा मत याद करके जाना कि 4 से ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपकी मर्जी है आप कैसे लिखो। आप 4 को हटा के 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, आप यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, आप 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में 1 तक जाना होता है, तो कुछ हम नेचुरल नंबर लिखते जरूर है, ठीक है? तो यहां पर अभी मेरी RHS तक की कहानी हो गई। अब मैं आ रही हूं LHS पे। तो बेटा देखो, अब हम क्या उठा रहे हैं? अपना LHS उठा रहे हैं। LHS उठा रहे हैं तो LHS कॉपी करना है, n का n, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन, बस यहां तक, ठीक है? क्योंकि LHS तो हमें इतना ही दे रखा है, तो हमने यहां पे कॉपी कर दिया, ठीक है? अब मैं पेन चेंज कर रही हूं आपको फर्क दिखाने के लिए। बेटा अगर आप देखो तो मैंने ये चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है जिसपे मैंने लाइंस खींची हैं, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, राइट? पर ये चीज आई कहां से? अगर मैंने ये चीज लिखी है तो इसका मतलब ये चीज कहीं से आई होगी ना, तभी तो मैंने लिखी है। अब ध्यान से देखना बेटा मैंने कहां से लिखी है, ये मैंने चीजें एक्स्ट्रा लिखी हैं जानबूझ के, क्योंकि बेटा हमने क्या लिखा है, वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड इन न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में किसी टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा अगर उसके इफेक्ट को मुझे हटाना है, अगर उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, कि ऊपर से अगर मैंने जो चीज मल्टीप्लाई करी और उसी से उसी चीज से मैं नीचे से डिवाइड कर दूं, तो उसका इफेक्ट कहीं दिखेगा ही नहीं। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2/3, मैंने उस नंबर को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 से डिवाइड करा, तो 2 से 2 कट गया, नंबर तो अभी भी 2/3 रहा। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स अगर हम किसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और उसी चीज को नीचे डिवाइड भी कर देते हैं तो उसका इफेक्ट कट जाता है, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। तो वही चीज अभी हम कर रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर रहे हैं और डिवाइड डिनोमिनेटर में हो रहा है। क्या कर रहे हैं? n माइनस आर एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू डॉट 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 थ्री डॉट टू डॉट वन, ये चीज हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यही चीज से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ऑलरेडी मेरे पास था बेटा, क्या था LHS में? ये चीज, ये जिस पे बॉक्स लगा रही हूं, ये जो मेरे पास ऑलरेडी था, इस चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं? एन माइनस आर एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू डॉट 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 थ्री डॉट टू डॉट वन, और डिवाइड किससे कर रही हूं? उसी चीज से, एन माइनस आर n माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू डॉट 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 थ्री डॉट टू डॉट वन। यहां तक क्लियर, ठीक है बेटा?
अब अगर आप ध्यान से समझें, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो अब ये n, n माइनस वन, n माइनस टू क्या होता है आपका? n फैक्टोरियल। तो बेटा ये जो चीज है ये तो n फैक्टोरियल बन गई, तो ये मेरी n फैक्टोरियल बन गई, ठीक है। और अगर आप नीचे वाली चीज देखो, अगर आप नीचे वाली चीज देखो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, बेटा ये क्या होता है? ये आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। क्यों होता है फैक्टोरियल? देखो n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या होता है? n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट टू डॉट वन। दैट मीन्स जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो बन गया n माइनस आर का होल का फैक्टोरियल, और जो ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर है वो बन गया n फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से समझे, मैंने अभी आपको बोला कि ये बन गया n फैक्टोरियल, नहीं बेटा, ये पूरा न्यूमरेटर n फैक्टोरियल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि n, n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 डॉट, n माइनस आर माइ प्लस वन, फिर n माइनस आर। ये ध्यान से समझना, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ बेटा, यहाँ पर एक सेकेंड बेटा, ये चीज समझना बेटा। ये देखो, ये n माइनस आर प्लस वन है, राइट। इसके बाद क्या होगा? n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, राइट। वो प्लस वन माइनस वन कट गया, n माइनस आर आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा? n माइनस आर माइनस वन, सॉरी प्लस वन माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर माइनस वन, वही आ गया। ये चीज ऐसे चलती रहेगी लास्ट तक वन। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि पूरा जो न्यूमरेटर है इट कन्वर्टेड इनटू n फैक्टोरियल। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन में कि हमने पहले इस n फैक्टोरियल को बताया कि होता क्या है, फिर हम अपने LHS पर आए, उस LHS में हमने यहाँ पे जहाँ पे हमें दे रखा था वहां तक हम खड़े हो गए, उसके बाद हमने उसी न्यूमरेटर को किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया और उसी से मैंने डिवाइड करा। जब मैंने न्यूमरेटर पूरे ध्यान से पढ़ा तो इट बिकम्स n फैक्टोरियल, और जब मैंने डिनोमिनेटर को पूरे ध्यान से पढ़ा तो इट बिकम्स n माइनस आर का होल का फैक्टोरियल। दैट मीन्स मेरा LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल, क्योंकि मैंने LHS पे काम किया और RHS तक लेकर आई, तो LHS इज इक्वल टू RHS। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अब इस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। प्रूफ दैट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 डॉट, r प्लस वन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से समझना, हम LHS उठा रहे हैं, LHS ये बेटा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा n फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, n माइनस सिक्स, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। पर आपने कहीं पर भी r प्लस वन मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो ये कैसे मैंने लगा दिया? बेटा अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और अपॉन में r फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये r प्लस वन डॉट मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल कैसे आया? ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, 80 फैक्टोरियल को ओपन करा, 80 माइनस वन, 80 माइनस टू, 80 माइनस थ्री, 80 माइनस फोर, 80 माइनस फाइव, विच इज कॉल्ड एज 75। इस 75 को आप और कैसे बना सकते हैं बेटा? इस 75 को आप बना सकते हैं 74 प्लस वन। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? और 74, व्हाट डू यू मीन बाय 74? 74 इज योर आर, तो 74 प्लस 1 भी तो 75 होता है। दैट मीन 74 आपका r है, तो r प्लस 1 क्या बनेगा? 75। वही चीज बेटा जो मान लो जब मैंने n फैक्टोरियल को ओपन किया होगा, n मान लो यहाँ 80 है, तो n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट 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 करके कोई ऐसा नंबर आएगा जो ऐसे बनाया जा सकता है r प्लस 1 की तरह। दैट इज 75 को बनाने के लिए हम r प्लस 1 कर सकते हैं। तो बेटा ये r प्लस 1 इनटू r फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमारी 75 पे काउंटिंग रुकी है, हमें किस पे रोकनी है काउंटिंग? 74 पे। एंड व्हाट इज 74? इट इज r, तो लास्ट में r फैक्टोरियल। अब इस r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कटा, तो हमारे पास जो LHS बन गया n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और लास्ट में बच गया r प्लस वन। यही मुझे प्रूफ करना था। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा बताती हूँ आपको मैंने क्या बोला। बेटा ये n फैक्टोरियल है और अपॉन r फैक्टोरियल है, ये 80 फैक्टोरियल है और अपॉन में 74 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जा सकता है? 80,
80 माइनस 1 दैट इज 79, 80 माइनस 2 दैट इज 78, 80 माइनस 3 दैट इज 77, 80 माइनस 4 दैट इज 76 और 80 माइनस 5 दैट इज 75, राइट? पर मुझे ये 75 नहीं लिखना बाबा, तो मुझे 75 ऐसे नहीं लिखना, कैसे? मुझे 75 ऐसे नहीं लिखना, 80 माइनस 5 दैट इज 75, मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे R की फॉर्म में लिखना है। ये जो आपने लिखा ये अभी N की फॉर्म में लिखना है, पर मुझे तो R की फॉर्म में चाहिए। तो अगर मुझे R की फॉर्म में चाहिए 75, तो बेटा कैसे बन सकता है 75 R की फॉर्म में? ये देखो, ये आपका क्या है, R। इस R को यूज करके मुझे क्या बनाना है, 75। तो बेटा अगर मैं R में 1 ऐड कर दूं, दैट इज R मेरे पास कितना है, R मेरे पास है 74। 74 में 1 ऐड कर दूं तो 75 बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो R प्लस 1 लास्ट में आ रहा है, तो दैट मीन्स इस n फैक्टोरियल को अगर आपने ओपन करना है तो n 80, n माइनस 1, 80 माइनस 1 79, n माइनस 2 दैट इज 80 माइनस 2 दैट इज 78, n माइनस 3 दैट इज 80 माइनस 3 दैट इज 77, डॉट 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 76। फिर आपने क्या लिखा, R प्लस 1, तो R प्लस 1, बेटा ये R प्लस 1 क्या है, ये R प्लस 1 तो 75 था, पर काउंटिंग तो 74 पे खत्म होनी थी, आपने तो 75 पे रोक दी, बट काउंटिंग किस पे खत्म होनी थी, 74 पे, तो काउंटिंग किस पे खत्म होगी, 74 क्या है, R, तो इंटू R, और जहां काउंटिंग खत्म होती है वहां हम क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी क्या है, R फैक्टोरियल, क्योंकि N फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं ना R फैक्टोरियल को, तो इस R फैक्टोरियल को R फैक्टोरियल से काटा, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, मेरे पास बचा N, N माइनस 1, N माइनस 2, डॉट 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 R प्लस 1, यही मुझे प्रूफ करना था। पॉइंट क्लियर हुआ, ये देखो यही मुझे प्रूफ करना था, क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ 4 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हों, पर हर क्वेश्चन में कंसेप्चुअल लिंक है जिसमें आपको कंसेप्ट में इनडेप्थ जाकर तभी समझ आएगा जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे और खुद प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चंस। जब तक ये क्वेश्चंस आप कॉपी में करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस आपको नहीं क्लियर होंगे। सो डू वेल एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई भी नई वीडियो अगर मैं अपलोड करती हूँ तो। एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट ऑल्सो कि आपको वीडियो कैसी लगी। So thank you so much once again.